अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, माय उपचार में आपका स्वागत है। आज हम आपको रेबलेट डी कैप्सूल के बारे में जानकारी देंगे। यह एक एलोपैथिक दवा है जिसका निर्माण ल्यूपिन कंपनी करती है और इस दवा में रेविप्राजोल और डोमपेरिडोन नामक सॉल्ट पाया जाता है। यह एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है, यानी इसे डॉक्टर के पर्चे के बिना किसी भी मेडिकल स्टोर से नहीं लिया जा सकता। तो आइए जानते हैं यह दवा किस बीमारी के काम में आती है। इस दवा का प्रयोग पेट में जलन, मतली, उल्टी और एसिडिटी के उपचार के लिए किया जाता है। यह दवा पेट में सूजन और पेट से संबंधित बहुत सी बीमारियों के लिए भी लाभदायक है। तो आइए जानते हैं यह दवा कैसे काम करती है। इस दवा में रेविप्राजोल और डोमपेरिडोन सॉल्ट होता है। रेविप्राजोल हमारे पेट में एसिड को बनने से रोकता है, जिससे एसिडिटी में आराम मिलता है और यह सीने की जलन को भी रोकती है। तो आइए अब हम डोमपेरिडोन के काम को समझते हैं। डोमपेरिडोन के काम को समझने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि डोमपेरिडोन क्या है। डोमपेरिडोन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे मस्तिष्क को ये बताता है कि हमें उल्टी आने वाली है। डोमपेरिडोन डोपामाइन को रोककर उल्टी और मतली से आराम और राहत दिलाता है। तो आइए इस दवा की डोज के बारे में जानते हैं। इस दवा का एक कैप्सूल दिन में एक बार खाने से पहले लेना चाहिए। अगर आपको बीमारी के लक्षण गंभीर हैं तो डॉक्टर की सलाह अनुसार आप इसे दिन में दो बार भी ले सकते हैं। अगर किसी ने इस दवा की ओवरडोज ले ली है तो तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। तो आइए इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर दवा के कुछ फ़ायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। इस दवा के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि दस्त, कमज़ोरी आना, चक्कर आना, भूख ना लगना, और अगर हम फ्लू जैसे लक्षणों की बात करें तो छींक आना, नाक बंद होना आदि। तो आइए इस दवा से संबंधित कुछ सावधानियों के बारे में जानते हैं। अगर आप इस दवा को डॉक्टर के अनुसार लेते हैं तो इसका सेवन बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर आप लिवर या एलर्जी से ग्रस्त हैं तो इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर आपके करीबी मेडिकल स्टोर पर यह दवा उपलब्ध नहीं है तो इसकी जगह आप सायरा डी कैप्सूल, राजो डी कैप्सूल, रेबिजोल डी एस आर कैप्सूल, रिवेज डी एस आर कैप्सूल, रेबिसेट डी एस आर कैप्सूल, रेविसेर डी एस आर कैप्सूल, बेलोज डी कैप्सूल, पिल्टॉप डी एस आर कैप्सूल ले सकते हैं। तो यह थी रेबलेट डी कैप्सूल के बारे में जानकारी। इस दवा के बारे में विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और माय उपचार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।